मेरा परिचय नहीं पूछेंगे गणेश जी? आप तो स्वयं अपना परिचय देने के लिए उतावले हो रहे हैं, और युद्ध भूमि में उतावलेपन का एक ही परिणाम है, भयंकर मृत्यु। ये आपका दुर्भाग्य है गणेश जी, मेरी यहाँ मृत्यु असंभव है, क्योंकि मैं युद्ध कौशल में ही नहीं सभी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग के साथ साथ रणनीति में भी पारंगत हूँ। बलिंद्र हूँ मैं कहाँ से आकर युद्ध करूंगा और कहाँ अदृश्य हो जाऊंगा, ये किसी को ज्ञात नहीं। और ये भी किसी को ज्ञात नहीं कि मैं किस शस्त्र से युद्ध आरंभ करूंगा और किस शस्त्र से उसका अंत करूंगा। इस दुष्ट ने अभी तक तो अपने मायावी अस्त्र के प्रभाव से असुरों को भेजा, किंतु इस बार महाराज बलि के तत्व से बलिंद्र उत्पन्न कर दिया। जो राजा बलि कभी पराजित नहीं हुए, उससे उत्पन्न बलिंद्र को कैसे हराया जा सकता है? आप कहिए गणेश जी, आप इस महायोद्धा बलिंद्र से युद्ध करने किसे भेज रहे? यदि बलि का तत्व यहाँ है तो प्रभु नारायण के वामन अवतार का भी यहाँ प्रकट होना अनिवार्य है। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि। प्रभु के वामन अवतार के दर्शन पाने का सुख तो हम सभी प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, वो ही बलिंद्र को वश में भी करेंगे। जिसके आगमन पर ये सभी हाथ जोड़े खड़े हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाजः। बलिंद्र के साथ ही कैसा उपहास किया है, एक साधारण बालक को भेज दिया जिसे पाठ करने के सिवाय कुछ नहीं आता होगा। ये करेगा मुझे पराजित, ये आपके असुर संकट में हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। स्वामी, गणेश जी को भली भांति ज्ञात है कि महाराज बलि को नारायण के वामन अवतार ने ही वश में किया था, उनके द्वारा बलिंद्र के वध की कोई चिंता नहीं है आपको? नहीं, वामन किसी का वध नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक योद्धा नहीं, एक संत के समान है। मंत्र शस्त्र नहीं बनते और संत योद्धा नहीं बनते, इसलिए इस बार तो मेरी ही विजय होगी। अनुज गणेश, प्रभु नारायण के वामन अवतार युद्ध नहीं करेंगे तो फिर इस असुर का वध कैसे संभव होगा? सावधान बालक, मुझसे युद्ध करोगे तो पछताने का अवसर भी नहीं मिलेगा। करते रहो वेद पाठ बालक, किंतु तुम्हारे ये लयबद्ध शब्दों के उच्चारण महाविशाल
अत्यंत कुशल और भयंकर बलिंद्र के गुणों की लयबद्ध शब्दों को नहीं संभाल सकेगा। भयभीत हो मुझसे बालक, भयभीत, अन्यथा युद्ध के पूर्व ही मेरे पांव के भार से अपने प्राण खो दोगे। नहीं, बलिंद्र के बल पर कोई भी भारी नहीं पड़ सकता। महादानी असुर सम्राट बलि को अपने दान के अहंकार से बाहर निकालने के लिए प्रभु नारायण ने वामन अवतार लेकर उससे तीन पग धरती दान में मांगी एवं त्रिविक्रम रूप धारण कर पहले पग में संपूर्ण धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तब तीसरा पग रखने के लिए प्रभु वामन के समक्ष सम्राट बलि ने अपना मस्तक बढ़ा दिया और उनके शरणागत हो गया। प्रभु वामन ने पुनः त्रिविक्रम रूप धारण कर इसके सिर पर अपना पग बढ़ा दिया है। अब बलिंद्र शरणागत हो गया तो इसकी रक्षा होगी, अन्यथा इसका अंत निश्चित है। मैं बलिंद्र को कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या, मेरे अस्त्र मुड़ते क्यों जा रहे हैं? मैं धरती में प्रवेश कर ही स्वयं को सुरक्षित कर लूंगा। ये कैसी माया है, मैं तो धरती के भीतर भी नहीं जा पा रहा। वेद मंत्र को तुमने तुच्छ समझने की बहुत बड़ी भूल कर दी। वेद मंत्र ज्ञान के ही नहीं अभी तो अपार शक्ति के भी स्रोत है। इनके मंत्र को पाठ करने वाला चाहे किसी भी आकार का हो, उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा ब्रह्मांड के समान विशाल हो जाती है और वो अपने आत्मबल से किसी को भी प्राप्त कर सकता है। जो भी हो, मैं अजय हूँ, राजा बलि के तत्व से उत्पन्न हुआ हूँ, जिसका कभी वध नहीं हुआ था, इसलिए मेरा भी वध नहीं हो सकता, तुम भी मेरा वध नहीं कर सकते। हाँ, सत्य कहा तुमने, अशोक सम्राट बलि का वध नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पाँव के स्पर्श मात्र से उन्होंने अपने भीतर के असुरी प्रवृत्ति और अहंकार को त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, स्वयं को समर्पित कर दिया। यदि कोई भी अपने अहंकार का त्याग कर पूर्ण समर्पण भाव से शरणागत होता है तो क्षमा का पात्र बन जाता है। यदि तुम्हें भी बलि के समान क्षमादान चाहिए तो शरणागत हो जाओ, अन्यथा अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अपने झूठे शब्दों से मुझे भयभीत नहीं कर सकते तुम। मैं असुर महानायक भंडासुर के शरण में हूँ, तो तुम्हारे जैसे एक संत और तपस्वी की शरण में क्यों आऊं, जो ना युद्ध करेंगे और ना ही मेरा वध। किंतु श्री माता ललिता तो तुम्हारा वध कर सकती हैं। नहीं कर सकता मेरा, ना ये, ना कोई और। कर सकती ही नहीं,
माता तुम्हारा वध अवश्य करेंगी, क्योंकि असुर सम्राट बलि के विपरीत तुमने धर्म पथ को स्वीकार कर प्रभु वामन की शरण में जाने से अस्वीकार कर दिया। इसलिए अब तुम्हारे सामने एक विनाश का ही पथ शेष है बलिंद्र। इसलिए अब माता के महाकाया और महोत्साह स्वरूप तुम्हें तुम्हारी नेति से भेंट करवाएंगे बलिंद्र। हमारे अस्त्र मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। मेरा एक अस्त्र नष्ट किया है तुमने, किंतु पुनः प्रहार करूंगा मैं। पीठे शुकल पठितम् श्रणवन्तिं श्याम लांगड़ी। ये दुष्ट तो माया युद्ध लड़ना चाहता है। अब तुम देख भी नहीं सकोगी और मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। उसका वध कैसे संभव है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं हो सकता। प्रभु वामन की जय, माता महाकाया की जय, माता महोत्साह की जय, माता महाकाया की जय, माता महोत्साह की जय। अतीत से जिसकी अंत का कोई सूत्र नहीं जुड़ा, उसका वध कैसे हो गया? कदाचित आप अपनी पराजय में जय को ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए ना कि आप पराजित हो चुके हैं। बस, ना पराजित हुआ हूँ और ना होऊंगा। घृणा है मुझे पराजय शब्द से। पराजय कभी मत कहना मेरे सामने। विजय के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? ये असुरी अस्त्र पाया, वो भी किस मूल्य पर, जिसकी तुम क्या कोई भी कल्पना नहीं कर सकता।
एक महात्याग करना पड़ा है मुझे। ऐसा कौन सा मूल्य दिया है, कौन सा महात्याग किया है आपने? इसके सामने मैं क्या कह गया? ये रक्त पुनः कैसे उभर आया मेरे हाथों पर? यदि ये महाअस्त्र मेरी विजय के लिए इतना महत्वपूर्ण ना होता तो आज मेरी पुत्री मेरे साथ होती। ओम गणगण पते नमः, गणगण पते नमः, ओम गणगण पते नमः, ओम गणगण पते नमः। उस महात्याग से आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया स्वामी? ये मिला है मुझे एक ऐसा अस्त्र जिससे मैं अतीत में मृत असुरों को पुनर्जीवित कर उन्हें अपने लिए युद्ध करवा सकता हूँ। यही तो फल है मेरी उस महात्याग का। मेरे वो सभी असुर एक एक कर पराजित होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो गई। ओम गणगण पते नमः, ओम गणगण पते नमः। मुझे विश्वास है मेरे त्याग में कुछ कहीं अवश्य छूट गया है मुझसे। ओम गणगण पते नमः, ओम गणगण पते नमः। इसलिए मुझे असफलता का मुख देखना पड़ रहा है। मैं भी वचन देता हूँ कि मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। और अपने वचन का मान रखा गणेश जी, आपने मेरी रक्षा की प्रभु। लक्ष्मी प्रभा, युद्ध भूमि में किसी का आगमन हो चुका है। गणेश को उसे पहचान कर उसके अंत का उपाय सुझाना होगा। किंतु गणेश है कहाँ? ये कैसा अंधकार छा रहा है? तुम्हारे पिता ने किसी और योद्धा को भेज दिया है, इसलिए मुझे शीघ्र वहां जाकर माता को उसका सामना करने का उपाय सुझाना होगा, जिससे वो उसके विरुद्ध शस्त्र उठाकर उसका वध कर सकें। किंतु प्रभु, जाना तो मुझे भी होगा। तुम्हें कहाँ जाना है? और कहाँ, एक पुत्र अपने पिता के पास जाएगी ना प्रभु? पिता के पास किंतु क्यों रश्मि प्रभा? मुझे विश्वास है, मैं उनसे कहूंगी ना तो वो अभी भी युद्ध रोक देंगे। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। जब वो एक बार तुम्हारे जीवन को संकट में डाल सकता है तो पुनः अपनी शक्ति पाने के लिए वो फिर से तुम्हें मृत्यु के मुख में धकेल सकता है। कुछ लोग किसी के खोने के बाद ही उसका महत्व समझ पाते हैं प्रभु। मेरे पिताजी भी मेरे महत्व अब तक समझ गए होंगे, इसलिए जब वो मुझे देखेंगे मुझे अपने गले से लगाकर मेरे हर एक बात मान लेंगे। मैं और विलंब नहीं कर सकता, किंतु तुम वहाँ कदापि मत जाना। नहीं नहीं प्रभु, मुझे वहाँ जाने से मत रोकिए।
मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे स्नेह में मेरे पिता का हृदय परिवर्तन करने की शक्ति है। आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए प्रभु। आपको मेरी सौगंध है प्रभु। जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वह मेरे रक्षा के लिए नहीं आएंगे। जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वह मेरे रक्षा के लिए नहीं आएंगे। मुझे वचन दीजिए ना प्रभु, जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहाँ नहीं आएंगे। मैं वचन देता हूँ, मुझे ज्ञात है एक पुत्री का अपने पिता के प्रति स्नेह कभी समाप्त नहीं होता। और यदि तुम्हें तनिक भी विश्वास है कि तुम भंडासुर का हृदय परिवर्तन कर सकती हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। धन्यवाद प्रभु। कौन है ये महायोद्धा? तुम में से मेरे साथ कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। मेरे पास ऐसा अस्त्र है और तुम सब निशस्त्र खड़ी हो, इसलिए मैं एक पल के शहर से भाग गई तुम सबको समाप्त कर दूंगा। सहस्त्र अस्त्र अर्थात सहस्त्र हाथ। तो ये सहस्त्र बाहु है अर्थात सहस्त्र बाहु कार्तिवीर्य अर्जुन, जिसका वध प्रभु परशुराम जी ने किया था। माता, इस सहस्त्र बाहु वाले कार्तिवीर्य अर्जुन का वध एकमात्र प्रभु परशुराम जी के ही द्वारा होगा, इसलिए अधिक समय व्यर्थ किए बिना हमें उनका ही आवाहन करना चाहिए। गणेश, परशुराम जी चिरंजीवी अनंत काल के लिए अपने ध्यान में मग्न है, उनका आवाहन कर उन्हें बाहर लाना असंभव, इसलिए हमें वहां जाकर उन्हें उनके ध्यान से बाहर लाना होगा। किंतु उन्हें उनके ध्यान से जागृत करने का अर्थ उनके क्रोध को भी जागृत करना, और इतना साहस कौन करेगा? मुझे अनुमति दीजिए माता, मैं जाकर प्रभु परशुराम जी को उनके ध्यान से जागृत करूंगा। प्रणाम माता। रश्मि प्रभा? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर तो पहुंच गया। यहाँ महेंद्रगिरी पर्वत के शिखर पर प्रभु महादेव के नाम के जाप का अर्थ है ये अवश्य प्रभु परशुराम जी का स्वर है। नमः शिवाय। प्रभु का स्वर तो सुनाई दे रहा है, किंतु वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे शीघ्र उन्हें अपने साथ लेकर जाना होगा। मैं भी कैसे भूल रहा हूँ, श्रद्धा पूर्ण भक्ति के बिना प्रभु के दर्शन भला कैसे संभव है? ॐ ब्रह्मक्षत्राय
महावीराय परशुरामाय नमः। ओम ब्रह्मक्षत्राय महावीराय परशुरामाय नमः। प्रभु के मुख पर कठोर भाव एक महायोद्धा का है, तो उनका दिव्य तेज एक महान तपस्वी का। प्रभु, आपकी महिमा सर्वथा अद्भुत और अनूठी है, आपको शत शत नमन। किंतु प्रभु, मुझे शीघ्र आपको ध्यान से जागृत कर इस युद्ध में भाग लेने के लिए माता के पास ले जाना होगा। माता ने भी कहा था, उनके ध्यान से उन्हें जागृत करने का अर्थ है उनके क्रोध को जागृत करना। किंतु वहां युद्ध भूमि की स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब तक प्रभु वहां नहीं होंगे, क्योंकि भंडासुर ने कार्तिवीर्य अर्जुन को भेजकर इस बार बहुत बड़ी चाल चली है। यदि प्रभु परशुराम जी को अपने साथ नहीं ले गया तो श्री माता ललिता और उस दुष्ट असुर का भयंकर युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा, जिसका परिणाम महाविनाश ही होगा। इसलिए मुझे प्रभु परशुराम जी को उनके ध्यान से जागृत करना ही होगा। हे प्रभु परशुराम जी, हमें आपकी सहायता चाहिए। कृपा कर आप अपने ध्यान से जाग जाइए, जाग जाइए प्रभु। हे प्रभु, संसार को आपकी आवश्यकता है, अपने ध्यान से बाहर आने की कृपा कीजिए। अब कार्तिवीर अर्जुन इस युद्ध का अंत करे, मुझे विजयी बना देगा। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। क्या हुआ स्वामी? रश्मि प्रभा का स्वर कैसे सुनाई दे रहा है? रश्मि प्रभा का पद चिन्ह है। अब यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ, अब ये स्वयं ही अपने पापों का सामना करेंगे। दया कीजिए प्रभु, जागृत हो जाइए अपने ध्यान से, संसार की रक्षा कीजिए। जिस अधर्मी राजा का आपने वध किया था वो पुनः जीवित हो गया है, संसार के लिए संकट बन रहा है। उस दुष्ट ने
श्री माता ललिता के विरुद्ध अस्त्र उठाने का दुस्साहस किया है। कीजिए प्रतीत होता है प्रभु परशुराम जी का क्रोध जाग गया है। मुझे इन्हें शांत करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु परशुराम जी, प्रभु महादेव के महाशिष्य, उनके महाभक्त हैं आप। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। जाल में उलझ गया मैं। इन भवन के अवशेषों में इन मिथ्या पद चिन्हों के पीछे क्यों आ गया मैं? क्योंकि उसके पीछे आया हूं मैं, जो कदापि सत्य नहीं हो सकती, जिसे मैंने अपने हाथों इन्हीं हाथों से बस अब और आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। वो सत्य कुछ सत्य नहीं है। नहीं पिताजी, पिताजी। पुत्री रश्मि प्रभा, नहीं, ये सत्य कैसे हो सकता है? नहीं देवी, तुम्हारी शक्ति का अनुमान हो गया है मुझे। अब अनुमान लगाने की बारी तुम्हारी है देवी। इस चुनौती का सामना करना अत्यंत कठिन है देवी, क्योंकि ये तो तुम भी जानती हो, यदि इन ज्वाला पिंडों को मध्य में रोका गया तो इसके विस्फोट से संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा, और यदि नहीं रोका गया तो तुम्हारी सेना। अनुज गणेश, शीघ्र लौटो, प्रभु परशुराम का अब यहां होना अनिवार्य है। प्रभु, विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, अनुरोध किसी सत्य कार्य के लिए हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए। एकमात्र आप ही कार्तिवीर्य अर्जुन का अंत कर सकते हैं प्रभु,
अन्यथा माता ललिता उस दुष्ट से अनंत काल तक युद्ध करने के लिए विवश हो जाएंगी, जिसका एक ही परिणाम होगा, भयंकर विनाश। सर्वनाश, महाविनाश होगा। मैं अपनी साधना छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। किंतु क्यों प्रभु? प्रभु दिगंबर दत्तात्रेय, मुझे परिस्थिति की गंभीरता का आभास है, किंतु प्रभु दिगंबर दत्तात्रेय के आशीर्वाद से सहस्त्र बहु बने कार्तिकेय के वध के पश्चात मुझे प्रभु के क्रोध का सामना करना पड़ा, और मैं पुनः उनके क्रोध का सामना नहीं करना चाहता। इस कारण हेतु कार्तिकेय के वध करने के लिए तुम पहले प्रभु से अनुमति लेकर आओ। ये कैसी विपदा है, संकट निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रभु से अनुमति मिलते ही मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध में भाग लूंगा। किंतु प्रभु,